हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के गूगल डिस आउट टूल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि गूगल डिस आउट टूल है क्या, ये काम क्या करता है, इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, किसी भी वेबसाइट पर बैकलिंक जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। भले ही गूगल अब इसको कहने लगे कि ये अब टॉप थ्री में नहीं है, बट बैकलिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी वेबसाइट को अफेक्ट करते हैं। तो ये बैकलिंक जो हैं आपकी वेबसाइट को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस केस में कई बार क्या होता है कि मान लीजिए बैकलिंक बनाना आपके हाथ में नहीं होता कम्प्लीटली, आप कुछ बैकलिंक ज़रूर बनाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बैकलिंक्स भी होते हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए खुद से बनते जाते हैं, या फिर कोई आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक भी बनाने लग जाता है, जिसे हम नेगेटिव SEO कह सकते हैं। यानी अगर कोई चाह रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऊपर रैंक ना करे, तो वो क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट के लिए जो है नेगेटिव बैकलिंक बनाना शुरू कर देगा। तो इस केस में जब आपके वेबसाइट पे बहुत सारे बैड बैकलिंक्स बन जाते हैं, तो एक ख़तरा पैदा हो जाता है कि कहीं गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को कोई पेनल्टी ना दे दे, ठीक है। तो हमें गूगल को इन्फॉर्म करना होता है कि ये जो बैकलिंक्स बने हैं ये मैंने नहीं बनाए हैं, या फिर ये किसी अपने आप से बन गए हैं, या किसी कंप्यूटर ने मेरी वेबसाइट के लिए बना दिए हैं, तो काइंडली आप इसको इग्नोर कर दें। कई बार क्या होता है कि हम किसी SEO को भी हायर करते हैं तो वो भी ऐसे बहुत से बैड बैकलिंक्स जो है बना देते हैं जो वेबसाइट को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर भी आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस टूल का जितना हो सके यूज़ कम करें, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं नेगेटिव SEO के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, आप अच्छे बैकलिंक्स बना सकते हैं, तो जो नेगेटिव बैकलिंक्स का इफेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। बट अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के बैकलिंक्स हैं, तभी आप इसका यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको यूज़ ना करें। क्योंकि पहले क्या था कि पहले गूगल सर्च कंसोल के अंदर से ही ये फीचर डायरेक्टली एक्सेस हो जाता था, बट अब गूगल ने इसको इंटरनली हटा दिया है। आपको अलग से एक URL मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, वहाँ जाकर आप इस टूल को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये टूल किस तरह से है और कैसी फाइल आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, दिस इज़ एन एडवांस फीचर एंड शुड ओनली बी यूज्ड विद कॉशन। तो अगर इसको बड़े ही हमने ध्यान से यूज़ करना है, ठीक है, अगर हमने इसको गलत तरीके से यूज़ किया तो ये हमारी साइट की परफॉर्मेंस को जो है अफेक्ट करेगा, ठीक है। वी रिकमेंड ये दैट यू ओनली डिसो बैकलिंक्स इफ़ यू बिलीव दैट देयर आर कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्पैमी, मतलब बहुत ज़्यादा अगर इस तरह के लिंक्स हैं तभी आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने 100-200 लिंक्स ही बनाए हैं, उसके अंदर से भी आपको डिसो करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा ना ही करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, आपको इस पे यहाँ पे क्लिक करके अपनी प्रॉपर्टी को चूज़ करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको चूज़ कर लिया है, ठीक है, ये डोमेन प्रॉपर्टी को ये वो नहीं करेगा, तो इसके अंदर आपको URL प्रॉपर्टी ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक TXT फाइल को अपलोड करना है, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने रिक्वायर्ड फॉर्मेट भी हमें दिया हुआ है, वो किस तरह का फॉर्मेट है वो यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह का एक फॉर्मेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक फ़ाइल बना भी रखी है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक फ़ाइल है, तो इसमें आपने करना क्या है, अगर आप हैश डालेंगे तो वो कमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, और अगर आपको पूरी डोमेन एंटर करनी है तो उसका फॉर्मेट क्या है, डोमेन कोलन डोमेन का नेम। उसके बाद यहाँ देखिए फिर से एक हमने कमेंट ऐड किया है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर लिंक को हटाना है तो आप उसका पूरा का पूरा URL, मान लीजिए इस पेज पे आपका जो लिंक है तो आप उसका पूरा URL एंटर कर सकते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं, या तो आप किसी पूरे के पूरे लिंक वाले जो जिस पेज पे है वो हटा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस वेबसाइट से ही बहुत सारे लिंक्स मुझे आ रखे हैं, तो पूरी डोमेन को अगर हटाना है तो डोमेन कोलन और उस डोमेन का जो नेम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर मान लीजिए किसी अपने सब डोमेन को भी हटाना है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वैसे तो अगर ये एंटर कर देंगे तो सब डोमेन भी इसके अंदर हो जाएगी, बट मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ और मुझे सिर्फ एक सब डोमेन से ही किसी पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर लिंक्स को हटाना है, तो इस तरह का मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ।
जब ये फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी तो इसको कोई भी आप नाम दे दीजिए, बस TXT फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसका जो टोटल साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो एक प्रॉपर्टी के लिए आप एक ही फाइल को अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि ये वाले लिंक्स मुझे नहीं हटाने थे, तो आप दोबारा से उस फाइल को एडिट कर दें और फिर से उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से गूगल डिसॉर्ड टूल का यूज़ आप कर सकते हैं। बट अगेन, अभी ये जो है सर्च कंसोल के अंदर से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, पहले आप इसको डायरेक्टली कंसोल के अंदर से ही एक्सेस कर सकते थे। इसको आपने बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। मान लीजिए आपको लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स हैं या आपकी साइट हैक हो चुकी है, बहुत से स्पैमी बैक लिंक्स बन चुके हैं, कुछ केस तो उन केसेस के अंदर ही आप इस टूल का यूज़ करें, अदरवाइज़ इस टूल को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो लिंक्स मुझे नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उस केस के अंदर ही आप इसको ध्यान से यूज़ करिएगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।